वैसे अर्शी तुम्हें तैयार कौन कर रहा है? मॉम कह रही थी कि झनक ही थोड़ी हेल्प कर दो, वैसे भी ये अच्छा सजाती है, मुझे भी सजा देगी। बंगाली अटायर तो मैं पहन के ही आऊंगी, रेडी में पहन के ही आऊंगी। झनक अपना कश्मीरी टच देती, मेकअप आर्टिस्ट तो होगी ही तो मैनेज हो जाएगा, बाकी सब झनक मैनेज कर लेगी, है ना? झनक कर लो जी। अर्शी की तैयार करूंगी आपको, और ऐसा तैयार करूंगी कि सर्दी की नजरें नहीं हटा पाएंगी। तुम वापस इसी कर आओगी? हां सॉरी, आई एम श्योर। तो उसके बाद तुम वापस इसी घर आओगे? हाँ, इसे तो आना ही पड़ेगा। हाँ, यहाँ पर भी तो बहुत काम होगा, ये लड़की रहेगी तो हमारी भी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। हाँ, और झनक हमारी शादी के बाद तुम मुंबई जा रही हो, राइट? शादियों के दौरान के बीच में मुंबई जाना बोलना। हाँ, 2 बार के बाद चली जाना। अर्शी, तुम दोनों की शादी के बाद झनक कहाँ जा रही है ये भी हमें पता चल, लेकिन तुम दोनों फाइनली हनीमून के लिए कहाँ जा रहे हो अभी तक ये नहीं बताया। कब तक सरप्राइज रखना है? भाभी अभी कुछ प्लान नहीं किया है, और मुझे लगता है कि मुझे किसी काम से थोड़े दिन के लिए दुबई जाना होगा। दुबई? हनीमून तो शादी के बाद ही होता है ना, उससे पहले तो नहीं। और तुम दोनों के प्री वेडिंग हनीमून में जो भी हुआ ना, उसके बाद से तो मुझे हनीमून के नाम से भी डर लगने लगा। खैर, जो हुआ वो हुआ, कुछ चीज़ें ठीक से हो जाए, तुम दोनों की शादी शांति से हो जाए, उसके बाद जी। एक बार और डर की बात है, मुझे सजाना पसंद है, आप सबको तैयार कर दूंगी। कल मेहंदी है और हम सब अर्शी के घर में जाएंगे, तो मेहंदी के लिए भी तुम मदद कर सकती हो ना? ग्रेट, चलो इतनी बड़ी प्रॉब्लम खत्म हो। सच में तुम जैसा कोई इस घर में हो ना, तो सब कुछ कितनी आसानी से हो जाता है। हाँ, और अगर झनक अच्छी मेहंदी लगाती है, प्रोफेशनल जैसी, तो झनक मेरी मेहंदी भी लगाती है। अरे देखना क्या है, हम सबने देखा है तुम्हें अपू दी को तैयार करते हुए, बहुत अच्छे से सजाती हो तुम। सच में झनक, जो काम आज तक कोई नहीं कर पाया वो तुमने कर पाया। वैसे लड़की, तुमने फोटोज देखी? जी बहुत अच्छी है। अच्छा तो बताओ, तुम्हारे हिसाब से कौन सी बड़ी और फ्रेम करवा कर इनके कमरे में रखनी चाहिए? सभी बहुत अच्छी हैं। अच्छा ना, अनी को फोटो सिखाओ ना। हाँ अनी, ये देख, ये फोटो झनक ने सिलेक्ट की, तुम्हारे कमरे में सिलेक्ट की है। तो बहुत अच्छी फोटो है अनी, मैं सबसे अच्छी लगी है ना, उसे हम फ्रेम कर पाएंगे। अच्छी, अगर तुम्हें पसंद है तो देखो, मैं अलग से क्या डिसाइड करूँ? अनी कम ऑन, सिलेक्ट करो ना कौन सी वाली अच्छी है। अच्छा ओके, आई थिंक ये वाली अच्छी है। श्योर? हाँ परफेक्ट। अगर ये फोटो तुम दोनों को पसंद आई है और विपाशा भाभी को भी, तो फिर ठीक है, यही फोटो फ्रेम कर पाएंगे। आई थिंक अर्शी चाहती है कि झनक थोड़ा बिजी रहे, उसे कोई और ड्रामा क्रिएट करने का टाइम ना मिले उसकी शादी में, तो वो चाहती है कि झनक उसे रेडी करे, बाकी घर वालों को रेडी करे, घर के काम में हाथ बटाए, ताकि वो कोई ड्रामा क्रिएट ना करे। एंड शी शुड स्टे अवे फ्रॉम अनी एंड अर्शी। ऑफकोर्स वो मैंने मेंशन किया है कि मेकअप आर्टिस्ट होगी, बट क्योंकि जो मेकअप आर्टिस्ट है वो कोलकाता की ही होगी, और एज यू नो कि अर्शी इज़ हाफ कश्मीरी एंड हाफ बंगाली। डैड की साइड से बंगाली है, मॉम की साइड से कश्मीरी है, और झनक को कश्मीरी ट्रेडिशंस का पता है, तो वो चाहती है कि थोड़ा दोनों साइड का कल्चरल जो है वो एसेंस आए। देखिए, अनी ने कभी भी अपने मुंह से ये अर्शी को नहीं बोला है कि वो शादी नहीं करना चाहता है, या वो खुश नहीं है, या वो झनक से प्यार करता है। जब तक ये चीज़ें अपने मुंह से उसने बोली नहीं है, एक्सेप्ट नहीं किया है ये सब, तब तक अर्शी कुछ भी सोचना नहीं चाहती है। आई डोंट थिंक शक है उसे, सिर्फ झनक की साइड से शक है। अनी की साइड से वो बहुत श्योर है, क्योंकि वो अपनी मॉम को भी, सृष्टि को भी बहुत बार बोलती है कि मुझे अनी पे पूरा भरोसा है। थैंक यू।